नमस्कार दोस्तों, कविसा टेक सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा, कविसा टेक सॉल्यूशन मोस्टली इन कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स में डील करती है, मिशुबिशी, डेल्टा, सीमेंस, स्नाइडर एंड ओमरून। आज सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एलन बैडली पीएलसी की वायरिंग देखेंगे। फ्रेंड्स, मेरा जो एक रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप एलन बैडली मेक की हर पीएलसी की वायरिंग कर पाए। इस वीडियो को देखने के बाद होपफुली आप हर पीएलसी की, हर एलन बैडली मेक पीएलसी की वायरिंग कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, एलन बैडली माइक्रोलॉजिक्स जो पीएलसी आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके की दिखती है, जो कि हमने यूज़ की एलन बैडली माइक्रोलॉजिक्स, बहुत ही बेसिक पीएलसी एलन बैडली की, जिसका मॉडल नंबर है L16BWA, 16 आईओ पॉइंट्स है। इट मींस इनपुट आउटपुट मिला के टोटल 16 है पॉइंट्स, और रिले टाइप आउटपुट, इट मींस इसमें एसी डीसी आउटपुट हम यूज़ कर सकते हैं। टाइप इसका जो है पावर सप्लाई का, वो 120-240 VAC है, AC पावर सप्लाई यूज़ करेंगे हम इस PLC को एनर्जाइज करने के लिए। बाकी आगे चलते हैं, इसके पावर कनेक्शन देखते हैं। पावर कनेक्शन आप देख सकते हो, लाइन, न्यूट्रल, ग्राउंड, ये तीन कनेक्शन करके हम इस PLC को ऑन करेंगे। बेसिकली आप ये कह सकते हो इसका एनर्जाइजेशन करेंगे इस तीन पॉइंट पे, लाइन, न्यूट्रल, ग्राउंड देने के बाद। आप बाकी एक बार हम इसे दोबारा से दिखा देते हैं कि ये लाइन, न्यूट्रल, ग्राउंड इस पॉइंट पे तीन पॉइंट हैं जहाँ पे हम लाइन, न्यूट्रल, ग्राउंड कनेक्ट करेंगे। एक बार इसे मैं जूम कर देता हूँ, आप देख सकते हो। तो इस तरीके के कुछ दिखते हैं। बाकी हाँ, एक चीज़ और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि मुझे कैसे पता चला कि भाई ये लाइन, न्यूट्रल, ग्राउंड लेंगे या 024 वोल्ट DC लेंगे या AC लेंगे। ये सब चीज़ें, ये सब डेटा हमारा मैनुअल के अंदर होता है। ये एक स्क्रीनशॉट लिया मैंने मैनुअल का, जो कि आपको समझाने के लिए, आप देख सकते हो L16BWA इसका मॉडल नंबर है। L इंडिकेट करता है बेस यूनिट को, 16 आपको पता ही है कि 16 आयो पॉइंट्स है, जो कि ये पॉइंट्स, आयो पॉइंट्स को इंडिकेट करता है। बाकी बी आपको पता है इनपुट सिग्नल के, डीसी या एसी, इनपुट सिग्नल कैसे यूज़ करने हैं, एसी या डीसी से एनर्जाइज्ड वाले यूज़ करने हैं। तो हमारा जो बी है, इट मींस इसमें हम डीसी सिग्नल यूज़ करेंगे, और डब्ल्यू मींस आउटपुट टाइप क्या है आपका, रिले है या मॉसफेट या ट्राइक है। जब भी हाई स्पीड स्विचिंग की ज़रूरत होती है तो मॉसफेट ट्राइक यूज़ करते हैं, यूजली रिले होता है हर पीएलसी में। बाकी उसके बाद इस पीएलसी को हम एनर्जाइज्ड कैसे करें, ए इंडिकेट करता है एसी पावर सप्लाई से हम इसे एनर्जाइज्ड करेंगे, अगर यहाँ पे बी होता इट मींस हम इस पीएलसी को डीसी से करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये सारा डेटा आपको मैनुअल में मिल जाएगा। बाकी आगे चलते हैं, हम इस पीएलसी के बारे में देखते हैं, इसके कनेक्शंस देखते हैं। सबसे पहले इनपुट को आई से इंडिकेट करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं टोटल 10 इनपुट हैं, दो कॉमन पोर्ट हैं, I0 से स्टार्ट होकर I9 तक इसका इनपुट है। बाकी फिर आगे चलते हैं हम आउटपुट पे। आउटपुट इंडिकेट हमने यहाँ पे कर रखे हैं, ये देख सकते हैं इसमें टोटल 6 आउटपुट हैं, जो O से इंडिकेट होते हैं आउटपुट, जो 0 से स्टार्ट होकर 5 तक है। इसमें टोटल 5 कॉमन पोर्ट हैं। इस आउटपुट 0 के लिए कॉमन पोर्ट ये है, आउटपुट 4 और 5 के लिए कॉमन पोर्ट ये है। सबके लिए सेपरेट डिफरेंट आउटपुट पोर्ट, कॉमन पोर्ट है डिफरेंट आउटपुट के लिए, बाकी 4 और 5 के लिए सेम है। सो ये देखते हैं पीएलसी का स्टेटस। पीएलसी का स्टेटस पावर रन फॉल्ट की एलईडी भी है आगे, जो कि इसके स्टेटस को इंडिकेट करती है। बाकी आप ये देख सकते हैं पावर पीएलसी का, ये प्रोग्रामिंग टर्मिनल है जिससे हम इस पीएलसी को प्रोग्राम करते हैं, HMI के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। सो आगे चलते हैं, हम कॉमन टर्मिनल देखते हैं। 0C0 ये एक तरीके से कॉमन, 0 कॉमन, 1 कॉमन, 2 कॉमन, 3 कॉमन, 4 4 कॉमन है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट्स के साथ जुड़े हुए, जो कि हमने टेक्स्ट बॉक्स में इंडिकेट कर दिया। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं, हम ये एक बार इंडिकेट दोबारा से कर दे रहे हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट कॉमन्स हैं। ये आखिरी वाला जो कॉमन है, ये दो आउटपुट के साथ है, 4 और 5 के। सो आगे चलते हैं, इस पीएलसी की वायरिंग देखेंगे। सबसे पहले लाइन, न्यूट्रल से इसको एनर्जाइज्ड करते हैं। लाइन और न्यूट्रल से हमने इसे एनर्जाइज्ड किया, बाकी SMPS से इसको ऑन कर दिया। SMPS से फिर जो हमें 024 वोल्ट मिली, वो हमने इनपुट पे कॉमन पे डाल दी। इट मींस ये कॉमन पे 0 ऑलरेडी मिल रहा होगा इसे, और जैसे ही इनपुट मिलेगा उसे 24 वोल्ट मिल जाएगा और आउटपुट ऑन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये जो रेड कलर के वो NC पुश बटन है, ग्रीन NO पुश बटन है, जिसमें हम 24 वोल्ट डायरेक्ट डालेंगे और इन बटन से उठाते हुए IO पॉइंट्स पे डाल देंगे, क्योंकि कॉमन पे तो 0 ऑलरेडी मिल ही रहा होगा। जैसे ही हम इनको प्रेस करेंगे या NC से जैसे ही इस पे कनेक्शन करेंगे, I0 हमारा ऑन हो जाएगा और यहाँ पे LED जल जाएगी। तो इस तरीके से इनपुट के कनेक्शन हो जाएंगे। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, ये जो कनेक्शन है जिसमें हमने 24 वोल्ट इन की इनपुट के अंदर और इनपुट से IO पॉइंट पे डाल दी जैसे ही, और कॉमन पे हमने 0 डाल रखा। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन आता है, दो
कॉमन पोर्ट दे रखे हैं कि हम इस कॉमन पे 0, इस कॉमन पे 24 डाल सकते हैं, ऑफ कोर्स डाल सकते हैं। ये हमारा टोटल फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम फील्ड में क्या घुमाना चाहते हैं, किस चीज़ की कंट्रोलिंग करना चाहते हैं। इस डायग्राम को देख के हमें ये पता चलता है 24 वोल्ट की कंट्रोलिंग हो रही है। बाकी 24 वोल्ट हमने यहाँ पे भी डाल दिया है VDC के कॉमन टर्मिनल पे, यहाँ पे हमने 24 वोल्ट डाल दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो AC की लाइन को हमने कॉमन पे डाल दिया है और न्यूट्रल को हमने लैंप के थ्रू उठा के इस पॉइंट पे डाल दिया है। सो इस तरीके से कनेक्शन कर देंगे इस में AC और DC लैंप्स का कनेक्शन करने के बाद ग्राउंड, फाइनल ग्राउंड, जिससे कि नॉइज़ को हटा सके। सो इस तरीके से टोटल कनेक्शन हो गया इस PLC का, जिसमें हमने आप देख सकते हो AC लैंप यूज़ किए हुए हैं और DC लैंप यूज़ किए हैं, दो तरीके के आउटपुट यूज़ किए हुए हैं क्योंकि रिले टाइप PLC थी। अब एक बार थोड़ा सा ब्रीफ करके आउटपुट साइड को भी समझाना चाहता हूँ। ये कॉमन टर्मिनल है जो कि आप देख सकते हो, ये कॉमन टर्मिनल है जो कि आप देख सकते हो। इस कॉमन टर्मिनल पे हमने लाइन डाला हुआ है, लाइन जो कि ऑलरेडी इसके अंदर मिल रहा होगा। जैसे ही लॉजिक ट्रू होगा आउटपुट साइड से, वो लाइन यहाँ पे इस पॉइंट पे मिल जाएगा। जब लॉजिक वाइज ट्रू होगा तो लाइन मिलेगा और न्यूट्रल इस बल्ब के पास, इस लैम्प के पास पहले से ही, इट मीन्स ये ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से लॉजिक एग्जीक्यूट हुआ और PLC ने आउटपुट फायर कर दिया। अब सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी, 24 वोल्ट इसे ऑलरेडी मिल रहा है और कॉमन पे डला हुआ है। जैसे ही आउटपुट 2 नंबर ऑन होगा लॉजिक वाइज या सॉफ्टवेयर वाइज, तो क्या होगा, आउटपुट ऑन होते ही ये जो कॉमन पे 24 वोल्ट मिल रही है वो किससे कनेक्ट हो जाएगी, आउटपुट 2 से भी हो जाएगी और आउटपुट 3 से भी कनेक्ट हो जाएगी। तो जैसे ही मैंने आउटपुट कॉमन को, आउटपुट 2 को ऑन किया, कॉमन से आउटपुट 2 को सप्लाई मिल जाएगी और ये लैंप ऑन हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आउटपुट 3 को जैसे ही मैंने ऑन किया, कॉमन से उसे सप्लाई मिल जाएगी और लैंप ऑन हो जाएगा। अब बाकी 4 और 5 में जैसे ही मैंने 4 को ऑन किया तो कॉमन से इसको 4 को सप्लाई मिल जाएगी और इसको 24 वोल्ट मिल जाएगी, 0 पहले से मिल जाए तो ये वाला DC लैंप ऑन हो जाएगा। इस तरीके से ये काम करता है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरीके से हम इसे वायर करते हैं। बाकी आप वायरिंग से रिलेटेड और भी बेसिक वीडियोज़ देख सकते हो हमारी, जो कि हमने डाल रखी है YouTube पे, बहुत ही बेसिक वीडियो बनाना चालू की है। बाकी अब हमने 4 तरीके की वीडियो बनाई है, 4 PLC पे वायरिंग करके दिखाई, अब हम इनके सॉफ्टवेयर्स की वीडियो डालना चालू करेंगे। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड शेयर अगर आपको अच्छा लगता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। दोस्तों, आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और हमसे कांटेक्ट करने के लिए मैंने आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। हम इन सब प्रोडक्ट्स के में डील करते हैं, PLC, HMI, कम्युनिकेशन केबल, सेंसर, बेस्ट प्राइस इन डेल्टा एंड मिशुबिशी। थैंक्स फॉर वॉच।